भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए ओडीआई सीरीज के आखिरी मैच में धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने सात विकेट से ऑस्ट्रेलियाई टीम को हरा दिया है दोस्तों अगर आप भारत की स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दरअसल इस सीरीज के पहले मुकाबले में भारत की करारी हार के बाद टीम इंडिया के क्षमता पर सवाल उठ रहे थे कुछ पाकिस्तानी फैंस टीम इंडिया को लेकर तंज कस रहे थे भारत सिर्फ कमजोर टीमों को हरा सकता है भारत के लिए यह मैच साख की लड़ाई बन चुका था लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम समेत पाकिस्तानी फैंस शायद भूल रहे थे भारत के पास हिटमैन रोहित शर्मा है क्रिकेट जगत में रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके सामने आने से दुनिया भर के अच्छे अच्छे गेंदबाज भी कतराते हैं एशिया कप समेत आईसीसी वर्ल्ड कप में भी हिटमैन रोहित शर्मा पाकिस्तानी गेंदबाजों को सबक सिखा चुके हैं यही वजह है कि पाकिस्तान में भी हिटमैन का खौफ है आपको याद होगा जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमा के दोहरा शतक बनाने के बाद कुछ लोग फखर की तुलना रोहित शर्मा से कर रहे थे जबकि देखा जाए तो हिटमैन रोहित शर्मा और फखर जमा के बीच दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है बात जब भारत के शाख की लड़ाई की हो तो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर पाकिस्तान हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला खूब गरजता है खासतौर पर बेंगलोर में रोहित का हमेशा ही बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीन दोहरे शतक बना चुके हैं आखिरी मुकाबले में दो रन का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने एक रनों की तूफानी पारी खेली रोहित के बारे में कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम 350 से ज्यादा का लक्ष्य देती तो एक और दोहरा शतक बना सकते थे इस दौरान रोहित शर्मा ने एक छक्का इतना जोरदार जड़ा जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जीवन भर याद रहेगा